मां जिक्के वेल के क्वेटा बुता में मां तुकु आरंग सरा तशद्दुद बुता अंसरा शेलिंग बुता लाठी चार्ज बुता मां इवा के उती पार्टी है नेमगा चे पुर जोर मजम्मता करना वो हुकूमत वक्त चे मुतालबा करना के हमें मर्दों जख्मी भी तगा आईनी इलाज वो शहीदा सोरे सलाम पेश करना। मोजस साफी अजरात, जैसा कि आपके इल्म में है आलिया आम इंतकबात में तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है। ये कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट में इस्टेब्लिशमेंट अपने मनपसंद लोगों को पैसे लेकर लाते हैं, मगर इस मर्तबा तो इन लोगों ने अद्दी कर दी, बाकायदा धांधली की सर्टिफिकेट जारी कर दिया है जो कि पाम 47 के नाम से जाना जाता है। ये वो लोग हैं जो हुकूमती कुर्सी पर बैठकर बलोच और बलूचिस्तान की इस्तेसाली निज़ाम को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की मादनी वसाइल की लूटमार, ज़मीनों पर कब्ज़ा और तमाम बुराइयों के मालिक अफराद जो कि एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में मसरूफ अमल हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बलोच कौम को तारीकी में धकेल रहे हैं। आए रोज़ बलोच परजिंदों को उठाकर जबरी गुमशुदगी का शिकार बना रहे हैं, उन्हें अपने अकूबत कानों में टार्चर कर रहे हैं। कल का वाकया है, सरियाब रोड क्वेटा में लापता अफराद के लवाइकी ने एक पुरमन एहतजाज किया था, उन पर आंसू गैस शेलिंग हुई, लाठियों से हमारे माओ बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे बहुत सारे मर्द और खवातीन जख्मी हुए और बहुत सारे मर्द खवातीन को जबरी तौर पर उठाकर अपने साथ ले गए, जिसकी बीएनपी अवामी पुरजोर अल्पाक में मजम्मत करती है। ये अपने दलालों के साथ बराबर के शरीक हैं। मोजस्सा साफी हजरात, जैसा कि आपके इल्म है कि आज पूरे बलूचिस्तान को आम लोगों को बलूचिस्तान के आम लोगों को ना साफ पानी दस्तियाब है और ना बिजली और ना के सेहत के मराकज जो कि इस मुल्क का आइन के मुताबिक बुनियादी हक है, लेकिन लाचार बलोच इन तमाम सहूलियात से महरूम है। साथी भाइयों, आपको मालूम है कि पिछले महीने बजट 2024-2025 का ऐलान हुआ जो कि इस मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट है, जिसे IMF ने खुद तैयार किया है, जिसको BNP अवामी यकसर मुस्तरद करती है। इस पूरे बजट में नज़रसानी किया जाए जिसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं उनकी PSDP में खरबों रुपए की स्कीमात शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरी जानब बहुत ऐसे हल्के हैं जिनकी PSDP में स्कीमात ज़ीरो हैं, जिसे BNP अवामी अवाम दुश्मन बजट समझती है जो कि चंद वज़ीरों के लिए है। इसमें अवाम के लिए ऐसी कोई बामकसद स्कीमात शामिल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाम 47 वालों के लिए तैयार किया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की इस नाइली पर और इस नामनियाद बजट को चंद मुपाद परस टोलों पर नवाजा गया है जो कि हुकूमत बलूचिस्तान की मुंह पर जोर का तमाचा है। मोजस आपी हजरत, BNP अवामी के दोस्त आपके तौसत से हुकूमत को ये वाज़े पैगाम देना चाहता है कि अपना किबला दुरुस्त करें, बलूचिस्तान की उन तमाम हल्कों की उनके बराबर का हकूक दिया जाए, इस अवाम दुश्मन पॉलिसी को तर्क कर दें, ना तो इसके बरक्स बहुत भयानक नतायज निकल सकते हैं। बलूच और बलूचिस्तान की महरूमियों को मज़ीद इजाफा ना करें जिसकी सज़ा पर हुकूमत को खुद भुगतना पड़े। बलूचिस्तान के उन तमाम असल नुमाइंदों के अकदार से मालूम किया जा रहा है जिसकी शर्मिंदगी हुकूमत बलूचिस्तान और उनके आकाओं को BNP अवामी के कारकुनान खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे और बल्कि अपने कायद राजी राशोन परजिंदे बलूचिस्तान मीराजी असदुल्ला बलूच के एक काल पर
पूरे बलूचिस्तान को जाम करके रख देंगे। क्वेटा कान से लेकर जीवनी तक एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हमारे लीडरों ने इस मुल्क और बलोच कौम के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, जैसे पार्टी वर्कर्स रायकान उन्हें नहीं देंगे। मोहतरम साहबी हजरात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौसे से आखिर में एक मरतबा फिर हुकूमत बलूचिस्तान को तनबिया करते हैं कि अपने पॉलिसियों पर नज़र डालें और बलूचिस्तान के तमाम हल्कों को बराबरी की बुनियाद के हकूक दिए जाएँ। बलोच और बलूचिस्तान पर जाराना जुल्म व ज़्यादतियों से ये हुकूमत मज़ीद आगे नहीं चल सकती।